हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ एन के। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ हेमिस नेशनल पार्क, जहाँ 200 से ज़्यादा स्नो लेपर्ड्स का घर है। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। बड़ा ही रोमांचक सफ़र है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। लद्दाख जाए तो वहाँ हेमिस नेशनल पार्क को ज़रूर एक्सप्लोर करें, जहाँ आपको लुप्त प्राय औषधियों पौधों के अलावा स्नो लेपर्ड भी देखने को मिलेंगे। तो जानते हैं और क्या खास है इस पार्क में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत के पूर्वी लद्दाख क्षेत्र का सबसे ऊंचाई पर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये भारत में हिमालय के उत्तर में बना इकलौता राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस भारत में सबसे बड़ा अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और आसपास के संरक्षित क्षेत्रों के पास बाद दूसरा सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। ये नेशनल पार्क कई रेयर स्तनधारियों की प्रजातियों सहित हिम तेंदुओं के लिए भी जाना जाता है। Thank you.
1981 में ये पार्क महज 600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था, जो 1988 में बढ़कर 3,350 स्क्वायर किलोमीटर हुआ और 1990 में 4,400 स्क्वायर किलोमीटर। फिलहाल ये दक्षिण एशिया के सबसे बड़े नेशनल पार्क में से एक है। हैमिश नेशनल पार्क में 200 से ज़्यादा स्नो लेपर्ड मौजूद है। इसके अलावा तिब्बतियन भेड़िए, लाल लोमड़ी, यूरेशियन भूरे भालू, हिमालयन चूहे, मरमोथ और भी कई जीव जंतु पाए जाते हैं। स्तनधारियों की 16 और पक्षियों की लगभग 73 प्रजातियों को यहाँ देखा जा सकता है, जिनमें से गोल्डन ईगल, हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर, रॉबिन एसेंटर, चूकर, ब्लैक विंग स्नोफिंग, हिमालयन स्नोकॉक आसानी से देखे जा सकते हैं। पार्क के अंदर छोटे छोटे कई गांव भी मौजूद हैं।
हेमिस नेशनल पार्क चारों ओर से पाइन, घास के मैदान और छोटी छोटी झाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ कम बारिश होने की वजह से सूखे जंगल भी मौजूद हैं। वेरोनिका, कोबरेशिया, कैरेक्स, जेंटियाना और कई ऐसे पेड़ पौधे मौजूद हैं। इनके अलावा 15 अलग अलग तरह के लुप्तप्राय औषधीय पौधे भी यहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि यहाँ कब और किस समय घूमा जाए। मैं बताना चाहूँगा, यहाँ मई से अक्टूबर का महीना हेमिस नेशनल पार्क घूमने के लिए सबसे बेस्ट है। से नियरेस्ट एयरपोर्ट हेमिस नेशनल पार्क लेह कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट है, जो लेह जिले में स्थित है। यहाँ से आप कैब या टैक्सी ले सकते हैं। ट्रेन से जाना हो तो यहाँ से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जम्मू तवी एक्सप्रेस है, जहाँ से आगे के लिए टैक्सी या कैब ले सकते हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो रुम्बा विलेज की सैर का है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और छोटा सा गांव है। सो फ्रेंड्स, डोंट मिस दिस अपकमिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।